हेलो गाइज, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइज, ये है साबूदाना। तो गाइज मैं बनाऊंगी साबूदाना की पापड़। तो गाइज मैंने 1 किलो साबूदाना लिया है और इसके बनाऊंगी मैं पापड़। और आप पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि साबूदाना के पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और आप इसको सालों साल रख के खा सकते हैं, चाहे 1 साल खाइए चाहे 2 साल खाइए। तो इसको साबूदाना के लिए गैस इसको 2-3 पानी से धो लेंगे और धोने के बाद इसको पानी में भिगो देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे। तो गैस साबूदाना को इस तरीके से धो लेंगे ज़्यादा पानी से। दो तीन पानी से धोना है। से 2-3 पानी से इसको धो लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकल रहा है इसमें। जितने अच्छे से धोएंगे उतना ही अच्छा साबूदाना का पापड़ आपका बहुत ही ज्यादा साफ बनने वाला है, बहुत ही अच्छा बनने वाला है। फिर चलाऊंगी पानी तो ये आप देख सकते हैं कि ये साफ पानी हो गया है। अब इसमें डाल देंगे पानी। तो इसको गैस पानी डालने के बाद इसको ढक देंगे थाली से और इसको पूरी रात यूं ही ऐसे ही रख के रहने देंगे। तो गैस पूरी रात रख के रहने देना है। मिलते हैं सवेरे और ये फिर बनाएंगे इसके पापड़। तो गैस इसको मैंने भिगो दिया है। ये है साबूदाना। मिलते हैं गैस मॉर्निंग में। तो गाइस रात भर इसको साबूदाने को मैंने भिगो के रखा था। अब आप देख सकते हैं क्या गाइस कि इस तरीके से भीग कर ये फूल गया है। फूलने के बाद इसके दाने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गाइस इसके पापड़ बहुत ही बढ़िया लगते हैं और इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पी गया है। गैस को ऑन करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और इसको भगवाने को रख देंगे गैस के ऊपर और इसको चलाएंगे। गैस को गैस लो फ्लेम पर ही रखना है और पानी थोड़ा सा और डाल देंगे 1 गिलास। पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं यह साबूदाना से थोड़ा सा ऊपर रहता है और पानी को ज़्यादा नहीं डाला है। जैसे चावल बनाते हैं तो पानी थोड़ा चावल के ऊपर रहता है, उसी हिसाब से ये साबूदाना के ऊपर इतना 3 अंगुल पानी ऊपर रहेगा। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक की क्वांटिटी गाइस बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। अगर आपका नमक बिल्कुल तेज होगा तो पापड़ में टेस्ट बहुत ही खराब आएगा। तो गाइस मैंने 3.5 चम्मच डाल दिया है नमक। अब इसको इस तरीके से चलाएंगे, चलाते रहना है और गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें खौलाने का इंतजार करेंगे। तो गाइस साबूदाना उबालने के लिए पहले मैंने लो फ्लेम पर कर दिया था, अब इसको हाई फ्लेम पर कर दिया है। पानी की क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी कि 3 अंगुल जो होता है, जैसे चावल बनाते हैं तो उसमें 4 अंगुल का होता है, ये उसमें अर्थात इतनी गैपिंग होती है यानी कि आधा टीस्पून। तो गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे। जो मैंने पानी की क्वांटिटी जैसे टीस्पून है और इसका आधा, तो इतनी रहना चाहिए। ज़्यादा अगर पतला कर लेंगे तो पापड़ गाइस आपके साबूदाना के बिल्कुल बेकार बनेंगे, पन्नी में जब फैलाएंगे तो इधर उधर फैलेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं गाइस बिल्कुल परफेक्ट है और इसको गैस को कर दूंगी हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसको इस तरीके से चलाएंगे ताकि नीचे लग ना पाए और ये आसानी से पक जाए।
तो साबूदाना पकाने के लिए गाइस जो मैंने आपको पानी की क्वांटिटी बता दी, और ये जो साबूदाना बनाने के लिए जो इसके आप देख रहे हैं जो दाने जो हैं, तो दाने इसके जो अभी वाइट दिख रहे हैं, जो वाइट के बाद ये वाले आपको पानी जैसे कलर के दिख रहे होंगे, तो सारे साबूदाना के दाने जो हैं इसके कलर जो इस तरीके का हो जाएगा पानी जैसे कलर का, तो साबूदाना उबल जाता है। तो साबूदाना अभी उबला नहीं है, थोड़ा सा अधकच्चा है, तो इस तरीके से चलाएंगे। और ये जो नीचे बन के तैयार हो गया है, ये दाने इसके बिल्कुल पिघल गए हैं, और इसी तरीके से जैसे चलाएंगे तो ऊपर के दाने भी नीचे चले जाएंगे और आसानी से पिघल जाएंगे। तो साबूदाना के जो दाना जो है ये पक जाना चाहिए, नहीं तो ये पकेगा नहीं, तो जब आप पापड़ बनाएंगे तो आपका कर्रा कर्रा लगेगा। तो साबूदाना देख सकते हैं कि गाइस ये पक चुका है बिल्कुल परफेक्ट, और ये थोड़ा सा ऊपर के लिए तरफ है, इसको भी इस तरीके से चलाएंगे और ये साबूदाना बनके तैयार हो गया है, पापड़ के लिए रेडी है। साबूदाना पिघल गया है और ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है इसको भी थोड़ा सा पानी जैसे कलर का हो जाएगा, बनके तैयार हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और जब ये ठंडा होगा तभी आपस में ये पिघल जाएगा। तो गैस जब ठंडा करने के बाद ही आप इसको धूप में ले जाइए, वरना गरम गरम ले जाएंगे तो पन्नी में डालेंगे तो पन्नी भी पिघल जाएगी। तो अब इसका करेंगे ठंडा होने का इंतजार, तो ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म ही रहे। तो ये साबूदाना गैस बन के तैयार हो गया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे, मिलते हैं ठंडा होने के बाद। अब इसको गैस पंखे में रखेंगे, पंखे में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी। गैस को ऑफ कर दिया है मैंने, अब इसको रख देंगे, मिलते हैं गैस ठंडा होने के बाद। सो गैस मैं आ गई हूँ छत पर, और साबूदाने के पापड़ छत पर ही बनते हैं, धूप में और तेज धूप में ही गैस बनाइएगा। तो छत पे पन्नी बिछा लेंगे इस तरीके से, और जो साबूदाना मैंने बॉइल करा था वो इस तरीके से ठंडा हो चुका है। सो गैस साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए मैंने चमचा का इस्तेमाल किया है, तो चमचा लेना पड़ता है, तो कटली से गैस बनेगा नहीं इसलिए चमचा ही लेना है। और जैसे थोड़ा सा इस तरीके से ले लेंगे, लेने के बाद जहाँ पर पन्नी है वहाँ पे इस तरीके से कर देंगे और चमचे से इस तरीके से कर देंगे। सो गैस पापड़ का शेप जो छोटा ही शेप देना है, आलू का पापड़ चूँकि बड़ा होता है, और ये बना रही हूँ मैं साबूदाना के पापड़, तो इसमें इस तरीके से डाल देंगे और बना लेंगे पापड़। फिर इसको फिर ले लेंगे चमचे से और गोल शेप दे देंगे इसका, ये गोल शेप आ गया है, जो कि इसी तरीके से बनते हैं गाइस साबूदाना के पापड़। थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, एक एक चम्मच डालें या दो दो चम्मच, जितना आपको छोटा बनाना है तो छोटा बनाइए, बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाइए। इस तरीके से आप साबूदाना के पापड़ बना लेंगे, और जब ये बाद में धूप में सूख जाते हैं, फिर बाद में ये इसको सूखने के लिए गाइस 2 दिन का समय चाहिए होता है। 1 दिन में ये साबूदाना के पापड़ ऑलरेडी सूखते नहीं हैं, तो इसको 2 बार आपको सुखाना है, और इसको सुखाने के बाद इसको आप सालों साल रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सो गाइस पूरी वीडियो देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो गाइस जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं तल के दिखाऊंगी। गाइस मिलते हैं ये पापड़ सूखने के बाद। तो गाइस आप देख सकते हैं कि साबूदाना के पापड़ मैंने इस तरीके से बना लिए हैं, और इसको धूप में सुखाएंगे, खूब तेज़ धूप में सूख जाएंगे, तो गैस बहुत ही बढ़िया लगते हैं। गैस पूरी वीडियो देखिएगा, और अब इनको पापड़ साबूदाना के पापड़ों को सूखने देते हैं, मिलते हैं पापड़ के सूख जाने के बाद। सो गैस आप देख सकते हैं कि साबूदाना के पापड़ सूख चुके हैं, सूखने के बाद इसको मैंने 2-3 दिन समथिंग मैंने धूप में सुखाए हैं, और क्योंकि ये मोटे होते हैं गैस ये दाने इसके, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, 3 दिन के बाद ये परफेक्ट सूख जाते हैं। तो गैस आप देख सकते हैं कि सूखने के बाद कितने अच्छे हुए हैं और खरा रहे हैं, क्योंकि कटरहट से आप पता चल सकता है कि हाँ कितने बढ़िया बने हैं। तो गैस अब इसको पापड़ को क्या करेंगे, तलेंगे, तलने के लिए चलेंगे गैस की तरफ और बनाएंगे साबूदाना के तले हुए पापड़। तो गैस गैस को ऑन करेंगे, इस
पर आप कढ़ाई रखिएगा या मोटी लेयर का नॉन स्टिक फ्लेम मैंने रखा है और इसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो रहा है और गर्म उस क्वांटिटी पे करना है कि हाई फ्लेम पर करना है। साबूदाना का पापड़ तलने के लिए वैसे इसका ध्यान रखिएगा और लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं तलिएगा, ज़्यादा टेम्परेचर का गर्म हो जाएगा। बनाते हैं झटपट साबूदाना के पापड़ तलेंगे। तो गाइस ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे साबूदाना का पापड़ और इसको बीच में करछी से दबा देंगे। इसमें छीट टूटती है, बहुत सावधानी से तलिएगा और फिर इसको पलट के इस तरीके से दबा देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पापड़ तल के तैयार हुआ है। तो गाइस आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं और खाइएगा साबूदाना के पापड़, तले हुए आलू के पापड़। तो गाइस साबूदाना के इस तरीके से तल लिए मैंने, दूसरा डाल देंगे। और इसको दबाएंगे इस तरीके से, तो गाइस बन गया है पापड़। इसी तरीके से गाइस आप धो सकते हैं साबूदाना के पापड़। इसी तरीके से सारे जितने पापड़ अवेलेबल हों आपके पास, जितने गैस डालू हों, जितना आप खाना चाहें तो उतने ही तलिएगा। आलू के पापड़ गैस तलने के लिए गैस को लो फ्लेम पर करना पड़ता है और ये है आलू का पापड़ जो मैंने बनाया था। आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आलू पापड़ मैंने किस तरीके से बनाए थे और इसको यूँ करके डालेंगे वो लो फ्लेम पर और इसको इस तरीके से हिलाएंगे, हटा देंगे और इसको खड़ा करके रख देंगे ताकि इसके ऑयल निकल जाए आलू को, इसको भी निकाल लेंगे। आलू के पापड़ गैस लो फ्लेम पर होकर तले जाते हैं। तो गैस साबूदाना के जो पापड़ हैं जो मैंने बनाए थे तो वो मैंने तल लिए हैं। अभी आपने देखे होंगे गैस किस तरीके से तलते हैं साबूदाना के और आलू के पापड़। साबूदाना के प्रोसेस होता है हाई फ्लेम में और लो फ्लेम में आलू के पापड़। तो गैस इस तरीके से मैंने साबूदाना के पापड़ तल के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने सफ़ेद बने हैं, कितने बढ़िया बने हैं, देखते मुँह में पानी आ रहा है। और गैस चाय के साथ खाइएगा और आपके घर कोई गेस्ट आए उनको खिलाइएगा साबूदाना के पापड़। तो गैस आपको साबूदाना के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी? और ये रहे गाइस आलू के पापड़ जो मैंने, आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आलू के पापड़ किस तरीके से बनाए मैंने। बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इस तरीके से आप तलिएगा। तलना मैंने नेक्स्ट वीडियो में नहीं दिखाया था शायद, तो इसलिए मैंने ये इस वीडियो में आपको डाल दिया है कि आलू के पापड़ किस तरीके से तलना चाहिए। तो गाइस इस तरीके से मैंने आलू के पापड़ तैयार कर लिए। तो गाइस ये रहे साबूदाना के आलू के पापड़ और ये रहे साबूदाना के पापड़। तो गाइस साबूदाना की वीडियो की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूँ। और आप मेरे कम्युनिटी ऑप्शन में मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ जिसमें मैंने शॉर्ट्स के चैनल बनाया है, तो उसमें भी मैं डालती हूँ वीडियो शॉर्ट्स वाली, तो उसमें भी जाके मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और खाइएगा आलू के पापड़ और साबूदाना के पापड़। तो गाइस थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।